गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं जा रही हूँ इंडिया और ये एट अ टाइम मैंने टिकट की थी। वैसे जाने का कोई प्लान नहीं था बट बिकॉज अभी मेरा हॉलीडे ब्रेक है तो अभी मैं जा रही हूँ इंडिया। 2 वीक्स के लिए मैं जा रही हूँ बिकॉज 2 वीक्स का मेरा ब्रेक है। अभी मेरी सिक्योरिटी हो गई है, बोर्डिंग सब हो गया है। सो अभी मैं हूँ ड्यूटी फ्री में और अभी मैं अपने गेट नंबर है मेरा 16, तो अभी हम जाएंगे वेटिंग एरिया में। अभी 7 o'clock हो गए हैं और फ्लाइट की टाइमिंग है 10:05 AM। सो मेरी गाइस सिंगापुर एयरलाइन है एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस। मॉर्निंग में जो व्यू है वो कितना प्रीटी दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी टाइम काफ़ी है बिकॉज़ मुझे ये था कि मॉर्निंग होगी तो काफ़ी भीड़ होगी, इसलिए मैं जो है वो 3 आवर्स पहले मैं यहाँ पर आ गई थी, बट यहाँ पर टाइम नहीं लगा। 45 मिनट्स में मेरी जो है वो सिक्योरिटी भी हो गई, सब हो गया, बैग मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया अपना। सो टाइम नहीं लगा बट मुझे था कि मॉर्निंग है तो काफ़ी रश मुझे ना मिले, इसलिए मैं जो है घर से 3 आवर्स पहले मैं निकल रही थी। सो ये आप देख सकते हो गाइस, ये यहाँ पर मैं आ गई हूँ गेट नंबर 16 और यहीं से जो है एंट्री होगी। अभी मैं हूँ गेट नंबर 16 के पास। सो ये दो गाइस मेरे को बोर्डिंग पास मिले थे, पहले वाला है मेरा ऑकलैंड टू सिंगापुर, देन नेक्स्ट है मेरा सिंगापुर टू दिल्ली का। सो अभी मैं हूँ वेटिंग एरिया में और अभी क्योंकि है मेरी फ़्लाइट है 10:05 AM की, सो अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो है वो काफ़ी भीड़ यहाँ पर नहीं है, बट जब मैं आई थी उस दिन जो है एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ थी। अभी जो है यहाँ पर वेट करना होता है, ये गेट नंबर 16 है, ये ओपन हो जाएगा हाफ एन आवर पहले, समटाइम्स ये 45 मिनट्स पहले भी ओपन हो जाता है, बट हाफ एन आवर पहले जो है आपको फ़्लाइट में बिठा देते हैं। सो गाइज़ मेरी जो टिकट हुई थी वो है 1,40,000 में और ये वन वे नहीं है, ये मेरा आने की टिकट है मेरी, वो 29th of April को जो है मैं वहाँ से निकलूँगी। देन सो अभी जो गाइज मेरी फ़्लाइट है वो अराउंड 9 आवर्स की है पहले, देन उसके बाद मेरा स्टे है 9 आवर्स के लिए। देन सो गाइज एयरपोर्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको अपना जो है यहाँ पर बैग ड्रॉप करना होता है और न्यूजीलैंड में मुझे ये चीज़ काफ़ी आसान लगी बिकॉज यहाँ पर क्या करते हैं, आपको आपके बोर्डिंग पास पे एक बारकोड होता है, वो आपको मशीन के अंदर स्कैन करना होता है, देन आपको वहाँ पर जो है अपना बैग ड्रॉप करना होता है और वहाँ पर जो है आपके बैग का वेट वो ऑटोमेटिकली दिखा देता है कितना केजी है। सो उसके बाद जो है उसके बाद आपकी यहाँ पर इमिग्रेशन होती है और यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो मुझे काफ़ी आसान लगी। जस्ट उन्होंने एक ही क्वेश्चन किया था कि आप जो है यहाँ पर किस वीज़ा पर, सो स्टडी वीज़ा पे मैं हूँ, ये आंसर किया, देन उन्होंने साथ साथ बोल दिया कि आप अभी जो है सिक्योरिटी के लिए आप आगे जा सकते हो। सो नेक्स्ट जो है उसके बाद आपकी सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी में होता क्या है, सिक्योरिटी में आपका जो बैग है, आपकी जैकेट है, आपका फ़ोन है, वो सारी चीज़ें जो है वो बास्केट में रखवा लेते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी जैकेट रिमूव करो, आप अपने डॉक्यूमेंट की फ़ाइल भी जो है वो बास्केट में रखोगे, देन उन्होंने वो सारा आपका सामान जो है वो स्कैन होकर आता है बेल्ट पर। सो गाइस आपका जो है वो सारा सामान स्कैन होने के बाद आता है, देन वो आपको भी स्कैन करते हैं, आपके पॉकेट्स वगैरह वो सब चेक करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इवन आपका जो वॉलेट है वो भी आपके पॉकेट में नहीं होना चाहिए, वो भी आपको जो है बास्केट में रखना पड़ेगा जब आपका सारा सामान स्कैन होता है। सो ये सारा सामान आपका जब स्कैन हो जाता है देन आप आ जाते हो ड्यूटी फ्री में, और ड्यूटी फ्री में आने के बाद आपके जो है वो गेट नंबर आपका बोर्डिंग पास पर लिखा होता है, सीट नंबर आपका लिखा होता है, आपका गेट नंबर लिखा होता है, देन आपको जो है अपने गेट के पास जाना होता है और वहाँ पर आपको जो वेट करना होता है। सो अगर आपको जो है इतने टाइम के लिए वेट नहीं करना है तो आप ड्यूटी फ्री में जा सकते हो, वहाँ पर आप घूम सकते हो बिकॉज काफ़ी टाइम होता है। अभी जैसे मैं 2-3 आवर्स पहले आ गई हूँ तो यहाँ पर इतना टाइम निकालना मुश्किल है, वेट इतने टाइम तक नहीं कर सकते। सो मैं अभी जाऊँगी ड्यूटी फ्री में, देन कुछ टाइम मैं वहाँ पर स्पेंड करूँगी, देन मैं अगेन यहाँ पर आऊँगी बिकॉज मेरी जो बोर्डिंग है वो 9:15 पर स्टार्ट हो जाएगी। सो ये गाइज ये जो है वो फिजी एयरलाइन का जो है प्लेन है और ये अभी इसी गेट से गए, गेट 16 से, और इसके बाद जो है अभी 1.5 आवर के बाद जो है हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अभी जो है इसी गेट से 16 से जो फिजी एयरलाइन के जो पैसेंजर थे वो अभी गए हैं और ये अभी फ्लाइट का टाइम हो गया है, ये आप देख सकते हो। सो इसके अलावा भी मुझे एक और ऑप्शन मिल रहा था गाइस, वो था
कतर एयरलाइन का, बट उसमें जो था उसमें स्टे कम था, बट मुझे फ़्लाइट में जो है वो काफ़ी टाइम तक रहना पड़ता है और फ़्लाइट में टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे बेटर है कि आप जो है टाइम एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करना काफ़ी आसान होता है, बट फ़्लाइट में इतने टाइम्स के लिए जो है ट्रैवल करना वो काफ़ी मुश्किल होता है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कतर एयरलाइन से मैं नहीं जाऊँगी, सिंगापुर से जाना बेस्ट है बिकॉज़ वहाँ पर जो है मेरा स्टे है एयरपोर्ट पे, सो वहाँ पर फिर भी जो है टाइम स्पेंड हो जाता है। जब मैं आई थी तो मेरी जो थी वो कैथे पैसिफिक थी, तो जब जो है जब भी मेरा स्टे काफ़ी टाइम का था 10 to 12 hours का, सो एयरपोर्ट पे टाइम निकालना फिर भी आसान है, आप इधर उधर घूम के टाइम निकाल सकते हो, बट फ्लाइट में टाइम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं शॉप से बिकॉज अभी 1 hour अभी है बोर्डिंग स्टार्ट होने में, तब तक के लिए हम यहाँ पर घूमते हैं। गाइस आप देख सकते हो ईच आपको वर्क का प्राइस यहाँ पर लगा है $21, सो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एयरपोर्ट से अगर आप शॉपिंग करते हो, दिख कर अगर आपको लेना प्राइस लगे 35-28। इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड में नॉर्मल शॉप से लेते हो वो आपको चीप पड़ता है, बट अगर आप एयरपोर्ट के अंदर से ले रहे हो सो वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। These are 3-4-25 अगर आपको चॉकलेट्स लेनी है, बट ये इतनी एक्सपेंसिव है नहीं है जस्ट बिकॉज ये एयरपोर्ट के अंदर है, सो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज़ यहाँ न्यूजीलैंड में चॉकलेट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। स्पोर्ट्स एंड लेजर, हेडफोन अगर आपको लेने हैं यहाँ पर हेडफोन्स भी आप ले सकते हैं यहाँ से। सो ये देखिए गाइस ये है एयर न्यूजीलैंड का प्लेन है, ये गेट नंबर 16 जो कि मेरा गेट है वहाँ पर अभी लग गया है, अभी ये यहाँ पर आया है। सो गाइस मैंने अभी स्क्रीन पे चेक किया कि जो मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर है वो अभी सडनली चेंज हो गया है, सो पहले जो था वो गेट नंबर 16 था बट अभी गेट नंबर 15 है सिंगापुर के लिए। सो इस गेट से जो है वो अभी बोर्डिंग स्टार्ट होगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए गाइस पायलट अभी इन्होंने एंट्री की है, इसके बाद टाइम बोर्डिंग स्टार्ट होगी। ये देखिए गाइस अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फ़्लाइट जो है वो अभी 15 मिनट्स डिले हो गया बिकॉज जो इससे पहले वाली फ़्लाइट थी वो लेट उसका अराइवल हुआ, तो इस वजह से मेरी जो फ़्लाइट है वो अभी डिले हो गया, 15 मिनट्स का डिले है। सो गाइस बोर्डिंग अभी हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट में। फ़्लाइट जो है पहले 15 मिनट्स के लिए डिले हुई थी, देन वो हाफ एन आवर के लिए, और अभी जो है वो 10:05 की टाइमिंग थी, बट अभी 11 o'clock के अराउंड जो है फ़्लाइट यहाँ से डिपार्चर टाइम अब 11 o'clock का है। वो जो है ये आप देख सकते हो अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के अंदर। सो यहाँ पर जो है समटाइम जब फ़्लाइट डिले हो जाती है तो आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। गाइज अभी मेरी जो फर्स्ट फ़्लाइट थी वो अभी लैंड यहाँ पर हो गई है अभी 15 मिनट्स पहले, तो अभी मेरे को जो है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए वेट करना है, अराउंड 8 hours के लिए मेरे को यहाँ वेट करना पड़ेगा, देन मेरी जो है नेक्स्ट फ़्लाइट है नेक्स्ट जो मेरी यहाँ से 2:30 पे है। सो अभी आपको दिखाते हैं सिंगापुर का एयरपोर्ट। सो गाइज ये अभी हम आ गए हैं सिंगापुर के एयरपोर्ट पर। सो यहाँ पर गाइस मेरा सिक्योरिटी या इमिग्रेशन, यहाँ जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो तब आपका सिक्योरिटी या इमिग्रेशन नहीं होता है जब आप यहाँ पर एंट्री करते हो।
सो यहाँ पर अभी मेरी सिक्योरिटी होगी, इमिग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो है मेरी डेस्टिनेशन ये नहीं है, मेरी जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। सो डेस्टिनेशन जहाँ होती है वहाँ पर आपका इमिग्रेशन होता है। सो इमिग्रेशन मेरा वहाँ हुआ था जब मैंने ऑकलैंड से जब मैंने बोर्डिंग किया था, देन मेरा वहाँ पर हुआ था, बट यहाँ पर मेरा इमिग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो मेरी सिर्फ सिक्योरिटी होगी, और वो तब होगी जब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम होगा। सो बोर्डिंग के टाइम पे यहाँ पर सिक्योरिटी होगी। अभी तो यहाँ पर जो है मेरी फ़्लाइट का गेट नंबर भी अभी स्क्रीन पे नहीं आया, वो भी जो है 3 आवर्स पहले ही आता है, बट बिकॉज अभी जो है अभी 8 आवर्स पड़े हैं, अभी काफ़ी टाइम है। सो 3 आवर्स पहले जो है वो फ़्लाइट का नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, बट अभी मुझे वेट करना पड़ेगा लॉन्च एरिया में। सिंगापुर का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है अगर हम कंपेयर करें ऑकलैंड के एयरपोर्ट से, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा है। मैं जब यहाँ पर आई थी स्टडी वीज़ा पे, तब मैं वाया हांगकांग आई थी, हांगकांग का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइज, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, एक यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ ये जो है इंडिया से काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबी फ़्लाइट होती है। अगर आप देखो अभी भी मेरी जो फ़्लाइट थी वो 10 आवर्स की थी, और अभी जो है एक यहाँ पर जो है डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है न्यूजीलैंड की, तो ये एक मेरे को थोड़ा लगता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ की होनी चाहिए, बिकॉज इतना ट्रैवल नहीं हो पाता है अभी यहाँ पर। अगर आपकी जैसे मेरी अभी फ़्लाइट है, एक मेरी फ़्लाइट थी 10 आवर्स की, अभी मेरे को यहाँ पर जो मेरे को स्टे है मेरा वो है यहाँ पर अगेन मेरा 8 आवर्स का, देन मेरी नेक्स्ट है वो मेरी है, जो मेरी नेक्स्ट है यहाँ से वो यहाँ के 2:30 पे यहाँ से जो है टेक ऑफ होगा, और लैंड वो करेगी इंडिया के 5:30 पे। सो डिफरेंस सिर्फ यहाँ से 3 आवर्स का नहीं है, जब यहाँ के अगर हम देखें यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो फ़्लाइट होगी 6 आवर्स की जो वो फ़्लाइट होगी। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इतना टाइम तक आपको यहाँ पर स्टे करना है, देन आपको आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट है। सो अभी भी आप लगा कर चलो 2 दिन आपके लग जाते हैं, और उसके बाद आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली से फिर आपको जो है अपनी सिटी जाना होता है, सो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो अभी आप देख सकते हो ये जो है सिंगापुर का इमिग्रेशन यहाँ पर है। सो यहाँ से गाइज इमिग्रेशन होती है, आपको अपना बोर्डिंग पास जो है वो आपको यहाँ पर स्कैन करना होता है, देन आपकी एंट्री होती है, उसके बाद जो है इमिग्रेशन आपकी हो जाती है, देन आपको अपने जो है गेट नंबर देकर आपको वेटिंग एरिया में जाना होता है। सो काफ़ी सुंदर है एयरपोर्ट अगर हम देखें सिंगापुर का, और काफ़ी बड़ा है इमिग्रेशन के लिए। देखो ये हॉल कितना बड़ा है यहाँ पर। सो गाइज, आज जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम एयर न्यूजीलैंड से ट्रेवल किया था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज फूड जो था वो भी काफ़ी अच्छा था, क्रू जो था वो भी काफ़ी अच्छा था। सो मेरी जो थी वो 10 आवर्स की फ़्लाइट थी, और उन्होंने 2 मील दी थी, वेज था, वेज और नॉन वेज आपको जो लेना वो दे देते हैं, उसके अलावा ड्रिंक्स आपको जितनी बार आपको ड्रिंक्स लेने आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके अलावा आइसक्रीम भी थी, 2-3 बार उन्होंने आइसक्रीम भी दी। सो अगर हम कंपेयर करें कैथे पैसिफिक से मैं जब आई थी, अगर हम कंपेयर करें तो मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी फ़्लाइट लगी एयर न्यूजीलैंड की। ये देखिए गाइस, एयरपोर्ट के अंदर आप किसी भी एयरपोर्ट के अंदर जाते हो आपको सारे ब्रांड मिलेंगे, गुच्ची है, पराडा है। सो आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, ये आप देख सकते हो एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। एयरपोर्ट दिल्ली का भी काफ़ी बड़ा है, बट ऑकलैंड का जो एयरपोर्ट है वो इतना बड़ा नहीं है। सो गाइस, अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन के लिए डेली व्लॉगिंग में ना कर पाऊँ, बिकॉज यहाँ पर जस्ट मैं 2 वीक्स के लिए आई हूँ। सो मे बी यहाँ बिज़ी होने की वजह से मैं व्लॉगिंग वगैरह ना करूँ, बट जैसे ही मैं यहाँ वापस आती हूँ तो मैं दोबारा जो है वो डेली व्लॉगिंग में स्टार्ट करूँगी, बट जितने व्लॉग्स मैं हो सका 2-3-4 उतने मैं इंडिया से भी जो है ट्राई करूँ कि मैं व्लॉग्स वगैरह में डालती रहूँ, इतना ज़्यादा गैप ना आए,
बट अगर नहीं हो पाया देन हम यहाँ दोबारा जब आऊँगी तब मैं कंटिन्यू करूँगी डेली व्लॉगिंग। सो अभी थोड़ी देर बाद जो है मेरे को अपनी एक असाइनमेंट बनानी है, बिकॉज यहाँ जो है ये एट ए टाइम आने की प्लानिंग हुई थी इंडिया, मेरी एक असाइनमेंट अभी रहती है। सो असाइनमेंट अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी, देन जो है कुछ खाने का देखते हैं, उसके बाद वेट काफ़ी देर के लिए करना पड़ेगा जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है गाइस। वेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और जब आपको वेट करना 8 to 9 hours का तब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इतना टाइम तक वेट करना यहाँ पर बैठे रहना। ऑलरेडी जो है मेरी पहली फ़्लाइट थी वो 10 hours की थी, देन उससे पहले भी 3 hours पहले मैं एयरपोर्ट पे आई थी, तो इतने टाइम तक बिना सोए रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सो अभी काफ़ी नींद आ रही है, बट यहाँ एयरपोर्ट पर सोना सेफ मुझे लगता नहीं है। सो गाइज अभी फाइनली मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। सो यहाँ से अभी मैं अपनी सिटी जाऊँगी, वहाँ के लिए भी मेरे को 4 to 5 hours लग जाएंगे। सो फ्लाइट काफ़ी लंबी थी, डिले यहाँ नहीं हुआ, हालांकि मेरे को बैगेज क्लेम करने में थोड़ा टाइम लग गया। सो आज की वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।